माधुरी दीक्षित की मराठी फिल्म बकेट लिस्ट हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और अब इसके बाद वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में बिजी है। कलंक और टोटल धमाल। माधुरी तकरीबन 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। उनकी आखिरी रिलीज थी गुलाब गैंग, जो 2014 में रिलीज हुई। और मीडिया से बात करते वक्त माधुरी ने अपने कलंक को स्टार संजय दत्त के बारे में बात की। माधुरी ने अपनी फिल्म साजन, जिसमें उनके को स्टार थे संजय दत्त, इसके बारे में एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के लिए संजय दत्त की कास्टिंग को लेकर काफी सवाल किए गए, क्योंकि संजय दत्त का हमेशा से ही नेगेटिव किरदार रहा है। लेकिन जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, तब सभी को संजय का रोमांटिक साइड काफी पसंद आया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अब एक बार फिर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित साथ काम करेंगे उनकी फिल्म कलंक में। तो बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं इन्हें साथ देखने के लिए। बॉलीवुड की कुछ और खास खबरों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।